हाँ भाई, आरसीबी वालों को कोई शर्म आया है कि नहीं? सारा पैसा क्या बैट्समैन खरीदने में लगा देते हो और बॉलर की तरफ ध्यान नहीं जाता? तुम्हें कैसे पता चला? तुम लोगों को 16 साल हो गए आईपीएल खेलते हुए और एक दफा भी तुम लोग आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत सके। गजब बेइज्जती है। हर साल तुम लोगों का यही मसला है कि तुम्हारी टीम के अंदर बैट्समैनों की लाइन लगी होती है जबकि बॉलर्स के अंदर तुम लोगों ने सारा कुछ छानपोड़ इकट्ठा किया होता है, और वो छानपोड़ा आप लोगों को कितना का बचा लेगा? नहीं बचा सकता भाई। जिस तरह के आजकल बैट्समैन आए हुए हैं, छोटे ग्राउंड है, आप लोगों के सड़के वाली विकेटें हैं। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आरसीबी के हारने की मेन वजह क्या है? उनकी पुअर मैनेजमेंट है, कैप्टनसी है, या टीम सिलेक्शन है, या पुअर बॉलिंग अटैक है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक शेयर कर लें। तो इस तरह के बॉलरों की तो पिटाई होनी है। यहाँ तक कि मुंबई इंडियंस जैसी टीम जो कि पूरे टूर्नामेंट में जलील हो चुकी थी, उसने भी आके आरसीबी के ऊपर अपना हाथ साफ कर लिया है। यहाँ तक कि पांड्या तक 6 बॉलों पे 21 रन बना के चला गया, तुम लोगों को ठोक के चला गया। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। ईशान किशन जो फॉर्म चल रही थी जिसकी, वो 34 पे 69 रन बना के चला गया, मतलब 196 का टारगेट वो लोग 15वें 16वें ओवर में चेस करके तुम लोगों के मुंह पे मैच मार के चले गए हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आनी कि तुम लोग भाई किसी सीजन में अपने बॉलर्स पे भी इन्वेस्ट कर लो? विराट कोहली बेचारे का पूरा करियर चला गया है कि वो इस उम्मीद में है कि किसी न किसी साल वो आईपीएल की ट्रॉफी जीत ही जाएगा। वो भी लगता है अगले साल आरसीबी को छोड़ देगा भाई, क्योंकि उसके सबर का भी इम्तिहान ले चुके हैं ये लोग। चलो कल के मैच में विराट कोहली नहीं चल सका, जसप्रीत बुमराह ने उसको बिल्कुल ही नचा के रख दिया था। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की जसप्रीत बुमराह ने, विराट कोहली को 3 गेंदें उसने पहले मिस कराई है, सिंगल तक नहीं लेने दी, और उसके बाद विराट कोहली को कॉर्ड भी हैंड करा के उसने आउट करा दिया। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, 5 आउट किया उसने 21 रन देके। खैर चलो देखते हैं अगले मैच में क्या करता है, लेकिन आरसीबी वालों को शर्म आया कर लो, अपने फैंस का ख्याल कर लो कि इतने सालों से तुम लोगों को वो अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक विराट कोहली है जिसकी टीम में होने की वजह से तुम लोगों को इतनी सपोर्ट मिलती है। विराट कोहली भी जब रिटायरमेंट ले लेगा और टीम चेंज कर लेगा तो फिर तुम लोगों का देखना क्या बुरा हाल होता है। ऐसा कैसे हो सकता है।